वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरुजी में। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां फिल्म ने रिलीज के 14 दिन बाद बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है, तो वहीं वर्ल्ड वाइड स्तर पर भी फिल्म ने 850 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पठान को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस से मेकर्स के साथ साथ फैंस भी काफी खुश हैं। वहीं अब पठान की सफलता की गूंज संसद तक भी पहुंच गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में शाहरुख खान की फिल्म पठान का नाम लिए बिना फिल्म की खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद में शाहरुख खान की फिल्म पठान की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल रहे हैं। पठान को मिली पीएम मोदी की इस सराहना से शाहरुख खान के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग फिल्म की मिल रही इस सराहना को लेकर शाहरुख खान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए अब आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें मोदी जी पठान फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी समय अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ, क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे। और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अब तो दुनिया मानती है, सच में ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। शाहरुख खान की पठान को बहुत प्यार मिल रहा है और हर कोई इस बात से खुश है, यहाँ तक के हमारे पीएम भी ये बात जानते हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, जो देश के प्रधानमंत्री को अपना पीआर बना ले वो शाहरुख खान है। बता दें कि सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। फिल्म ने ओपनिंग डे पर छप्पर फाड़ कमाई करते हुए 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया था। गौरतलब है कि इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने बड़े पर्दे पर पूरे 4 साल बाद वापसी की है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से करंट, लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।